बीजेपी, शिवसेना और आरजेडी के सांसदों ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर एक सुर में सरकार पर हमला बोला। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करें और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है, इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है, इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। सर के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कर, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। अमित, अब बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन चलने दिया जाए, वहां विपक्ष कह रहा है सरकार की जिम्मेदारी है कि सत्र चलता रहे, मॉनसून सत्र हो या किसी भी सदन की कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये कि चलेगा कैसे, क्योंकि विपक्ष के तेवर तो अब संसद से सड़क तक एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब आगे जो आने वाले सत्र हैं उसमें वो भी हंगामेदार होंगे, कुछ ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि विपक्ष भी वहां कार्रवाई होने दे और सरकार भी उनकी बात सुने। देखिए, संसद सत्र चलने का सबसे जो सही तरीका है और वो है बातचीत और बैक चैनल नेगोशिएशन, और सरकार ने इसकी पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन इस सत्र की शुरुआत से ही जो विपक्ष है वो ये मांग कर रहा था कि पेगासस के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाए, और जो आला जो मंत्री हैं, वरिष्ठ सरकार के पदाधिकारी हैं, वह आकर विस्तृत तरीके से चर्चा करें, जबकि सरकार ने वक्तव्य जारी किया था। तो विपक्ष इस मांग को लगातार आगे ले गया और अब हमने देखा कि लोकसभा में 22% के आसपास जो प्रोडक्टिविटी रही और राज्यसभा में भी बहुत ज़्यादा कम रही, और राज्यसभा उपसभापति को भी अपनी जो संवेदना है वह व्यक्त करनी पड़ी। तो अब आने वाले दिनों में चूंकि कई राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी नजदीक है, तो विपक्ष के तेवर इससे भी ज्यादा कड़े होने की पूरी संभावना है। एक तरीके से चुनौती होगी सरकार के सामने, किस तरीके से विपक्ष के साथ वो संवाद कायम करती है, कैसे जो बैक चैनल नेगोशिएशन है, कैसे वो उनसे संवाद स्थापित करती है और कम से कम मनाती है कि आप सदन में बैठें, चर्चा करें, अलग अलग कानून जो है उनको उनके लिए आप डिस्कशन करें। जो बर्ताव हुआ जिस तरीके से विपक्ष ने किया उसके लिए सब लोग ने अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके थे, समिति बनाने की भी। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए और देखना होगा कि विपक्ष के जो तेवर हैं ये आगे अब कैसे बढ़ते हैं और सरकार इसका जवाब कैसे देती है और किस तरीके से आने वाले जो सत्र होंगे वो सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए क्या प्रबंध होते हैं। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने वेल पर पहुंचकर पर्चे उछाले और बाद में विपक्ष की महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगा। वहीं दो दिन पहले भी कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा किसानों के मुद्दे पर मेज पर चढ़कर हंगामा करते नजर आए। राज्यसभा में हुए हंगामे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ने मार्शलों पर महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया तो सरकार ने विपक्षी सांसदों के मार्शलों के साथ गलत व्यवहार की जांच कराए जाने की मांग की। ये पूरा हम निंदा करते हैं, हम और चेयरमैन साहब से मांग करते हैं एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर कार्यवाही, स्पेशली जो मैन हैंडलिंग करने का कोशिश किया, क्लिपिंग्स है, सीसीटीवी कैमरा का क्लिपिंग्स है, और इतना ही नहीं टेबल पर चढ़ के जो कुछ भी तमाशा किया है उन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारे
खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया, खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं हैं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है और महिला मेंबर को अगर सदन में सेफ्टी नहीं है तो आप इसके ऊपर सोचिए कि किस ढंग से यह सरकार चल रही है। वहीं देखिए विजय चौक पर विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस सांसदों ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। देख सकते हैं हम तो आए हैं दिखाने के लिए कि लोकतंत्रता को आप बचाने की बड़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये सरकार पार्लियामेंट में बिना बहस करके बिल्स को ऐसे ऐसे पास करके जा रहे हैं, जनता के विषय जनता के मुद्दे को सुनने के लिए नहीं तैयार है, ना चर्चा करने के लिए तैयार है। और इसमें तो सारे विपक्ष के पार्टी एक है, एक ही संदेश है सबका कि हमारे लोकतंत्रता को बचाने की बड़ी बड़ी जरूरत। वो तो कह रहे हैं विपक्ष के लोगों ने आसंदी की तरफ रूल बुक फेंका, सेक्रेटरी जनरल के सामने मेज पर चढ़ गए। सरकार काम नहीं करने के लिए तैयार थे, तो शायद कुछ लोग, मैं ये नहीं डिफेंड करता हूं कि ऐसे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं पहली बात यह है कि मैं कभी कभी मान नहीं सकता हूं कि एक सरकार है जो कहीं विषय के ऊपर प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं तैयार है, मीटिंग में आने के लिए नहीं तैयार है और पार्लियामेंट के अंदर बहस करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता भी आए गुरजीत औजला, औजला साहब ये मार्च का मकसद क्या आप लोगों के? मोदी जी की नीयत में खोट है, किसान मजदूर के हितों पर चोट है। किसान मजदूर की आवाज सारी सांसद लोग सरकार को नोटिस देते रहे, बार बार सरकार को रिक्वेस्ट करते रहे कि हाउस में बात कीजिए, किसान मर रहा है, 500 के ऊपर किसान मर चुका है, महंगाई चरम सीमा पे है, पैक्सेस का बड़ा मुद्दा है, कोरोना में कितनी मौत होगी सरकार को पता नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखो जो महिला सांसद के साथ हुआ उसका पूरा मैं विरोध करती हूँ, अच्छा नहीं हुआ। और अच्छा ये नहीं हुआ कि इस नौबत पर लेके आए कि हमें ऐसा प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारा विरोध इस बात से है कि पिछले 4 हफ्ते में तानाशाह रवैया अपनाते हुए सरकार ने संसद को चलने नहीं दिया और जो लोगों के मुद्दे थे उसके ऊपर सरकार भागती रही, और ऐसी तानाशाही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आजादी के और हम इसे कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आपको भी पता है कि राज्यसभा में सारे वरिष्ठ सांसद हैं, महिला सांसद हैं, कभी भी मार्शलों के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, मीडिया के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, आज बिल एक पर ऊपर पारित किया जा रहा है, मीडिया पे रेड होता है, विपक्षी दलों पे स्नूपिंग होता है, तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है और देश को आज बचाने के लिए विपक्ष एकजुट है, देश को बचाना है मोदी मॉडल से।